दिशा केंद्र सहित सरकारी विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज 4 घंटे का सामूहिक अवकाश रखा। सिरसा में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर आज सामूहिक हड़ताल पर रहे। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोष जताया। भारतीय मजदूर संघ ने भी अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सेवा नियम लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल सामूहिक अवकाश पर रहे। सुबह 9 बजे से उनका सामूहिक अवकाश शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक अवकाश जारी रहा। वहीं कंप्यूटर प्रोफेशनल के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने नियमित कर्मचारियों के सहारे कामकाज को जारी रखने की कोशिश की, फिर भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टाउन पार्क में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर एकत्रित हुए, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो आज ये पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों के अंदर जो विराट रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारी और तमाम मजदूरों के, जो वर्तमान भाजपा की सरकार है वो पूर्णतः कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार साबित हुई है। क्योंकि इससे पहले पंचकुला के अंदर हमने एक विराट रोष रैली निकालकर मुख्यमंत्री को चिताने का काम किया था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक भी प्रदेश के कर्मचारी मजदूर की मांगों को नहीं माना। मुख्य मांगे हैं कि विभिन्न विभागों के अंदर जो लगातार 20 वर्षों से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का काम करें, और जो नियमित भर्ती की गई है विगत के अंदर, जो डी ग्रुप की ग्रेजुएट बच्चों को अंदर उनको लगाया गया है। जैसे रोडवेज विभाग के अंदर एक ग्रेजुएट बच्चा, एक लड़की कन्याएं जो हैं वो क्या है, उसका टायर खोलने का काम करेगी। पीडब्ल्यू बी एन आर के अंदर एक 20 साल 22 साल के ग्रेजुएट बच्चे के लड़की को डी ग्रुप के अंदर सर्विस दी गई है, क्या वो बेलदार का कसी लेके सड़क पे काम करेगी? मतलब हम सरकार से ये जो सेवा नियम बने हुए हैं विभिन्न विभागों के, उस सेवा नियम के तहत ही मर्यादा के अंदर रह के कानून के तहत भर्ती की जाए। सरकार ने इस प्रदर्शन के बाद ये नहीं चेताने का काम किया तो 28-29 जून को महेंद्रगढ़ के अंदर भारतीय मजदूर संघ संबंधी संगठनों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसके अंदर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर यूनियन के प्रधान जुगल किशोर ने बताया कि आज उन्होंने केवल सांकेतिक तौर पर अपना रोष जताया है। 4 घंटे का सामूहिक अवकाश रखा गया है। अगर सरकार ने अपनी हट धर्मिता जारी रखी और वायदा खिलाफी करती रही तो मजबूरन उन्हें आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज करना पड़ेगा। सर, 4 जनवरी 2019 को सीएम साहब से मीटिंग में हमारे सर्विस रूल लागू करने के बारे में सहमति बनी थी और सीएम साहब ने कहा था भी आपके सर्विस रूल लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सर्विस रूल लागू नहीं हुए हैं। हम 15 से 20 साल से लगभग ये रिट्स में और अलग एसडी ऑफिस डीसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। बार बार मांगे मानने के बावजूद उनको लागू नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज 4 घंटे का ये हमारा सांकेतिक सामूहिक अवकाश है। फिर भी अगर अब भी हमारी ये लागू नहीं होती है तो हम और कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। क्या कारण है कि सरकार की बहुत सी सेवाएं हैं, लगभग 400 अगर सेवाएं की बात करूं तो वो ऑनलाइन की जाती है, तो वह सारी सेवाएं ठप होगी, किस तरह से आप लोगों को दिक्कत होगी? इससे दिक्कतें तो है, उसके लिए हम पब्लिक से भी हम माफ़ी चाहते हैं, दिक्कतें आ रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारी बार बार मांगे जो मांगने के बावजूद उनको लागू नहीं किया जा रहा, तो मजबूरी बस हमारे को कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप क्या करें आज, किस ज्ञापन वगैरह देंगे? हाँ, डी साहब को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है भारतीय मजदूर संघ के साथ। सत्य खबर के लिए सिरसा से नैन्सी लोहिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।